गाइस देखो मैं ये शीशा नीचे कर रहा हूँ, मगर ये शीशा नीचे नहीं करने दे रही मुझे। देखो मैं नीचे नीचे कर ले, अरे नीचे कर ले नीचे, अरे और नीचे कर लेते, अरे नीचे कर लेते बिल्ली, अरे कर ले, अरे कर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश, ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल अम्मी को लेके, क्योंकि उन्हें दिखाने का टाइम आ चुका है। और ये हमने पैकिंग वैकिंग कर ली है, ये देखो हमने बैग वगैरह तैयार कर लिया है, क्योंकि इसमें सब कुछ हमने कपड़े वगैरह रख लिए हैं। अब हम निकलते हैं ऋषिकेश के लिए, और सुबह के मॉर्निंग के 3:30 बज रहे हैं लगभग। सुबह को हम ऋषिकेश 8 बजे या 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। गाइस हमारी गाड़ी तैयार है और अब हम निकलेंगे यहाँ से। मौसम जो है बारिश का हो रहा है, बिकॉज क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से बारिश बताई गई है, काफ़ी कंटिन्यू बारिश पड़ेगी। मौसम काफ़ी जो है ख़तरनाक हो रहा है। गाइस हम घर से लगभग 30 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और हमने यहाँ पे गाड़ी में अभी पेट्रोल फिल कराया है, पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल, और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से अभी हरिद्वार काफी हम आ चुके हैं। यहाँ पे पुराना सैनी ढाबा, ये चुड़ियापुर वाले रोड पे पड़ता है, और मुझे गाड़ी चलाते चलाते नींद भी आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा चाय पी लेते हैं, फ्रेश हो जाएगा मूड, सुस्ती उतर जाएगी। अभी यहाँ से 37 किलोमीटर रहता है आपका हरिद्वार, हरिद्वार से 20 किलोमीटर है आपका ऋषिकेश आउटसाइड में। तो गाइस फिर चलते हैं। देखो एम परिसर सामने है, वो इमरजेंसी वाला वार्ड है, हाँ वो सामने इमरजेंसी वाला वार्ड है। ये देखो ये सामने इमरजेंसी वाला वार्ड है, और इधर आपका ट्रामा सेंटर है, इधर आपकी बिलिंग, इधर भी होती है बिलिंग, इधर भी होती है, ट्रामा सेंटर में भी बिलिंग होती है आपकी इमरजेंसी। आ चुके हैं हम ऋषिकेश एम्स। ये ऋषिकेश एम्स का नीचे का जीरो मतलब ग्राउंड फ्लोर है, ये यहाँ का ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पे हम मम्मी का भी मेमोग्राफी करा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने लिखा है मेमोग्राफी के लिए। काफ़ी सेक्शन बने हुए हैं यहाँ पर ऋषिकेश एम्स में, यहाँ पे लगभग 6 फ्लोर यहाँ पर मैक्सिमम देख सकते हैं आप। गाइस हमारा ऋषिकेश एम्स से जो काम था वो निपट चुका है, अभी भी काम निपटा नहीं है, बस पेंडिंग में है, क्योंकि अभी तारीख मिली है लगभग सितंबर की, और 3 महीने बाद दोबारा से आना है दिखाने के लिए, अभी रिपोर्ट्स वगैरह भी करानी है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं क्लियर की तरफ, और यहाँ का काम निपट चुका है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एम्स में, बहुत ही ज़्यादा। सुबह से बारिश पड़ रही थी और बारिश रुक चुकी है, और इतनी ज़्यादा कड़कती हुई धूप पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है अब तो, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, हालत डाउन। धूप भी निकल रही है और बूंदे भी पड़ रही हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो, ये सामने आप देख रहे हो, यहाँ पर ये रेनबो बन चुका है इंद्रधनुष, ये देखिए इतना प्यारा लग रहा है, ये इंद्रधनुष बन चुका है यहाँ पर, बादल ही बादल हो रहे हैं पहाड़ पर सामने, ये धूप में बारिश पड़ने की वजह से हो रहा है ना, इसी वजह से ये रेनबो बना है। गाइस ये हमारी भांजी है, इसका नाम है जुनेरा फातिमा, बहुत ही ज्यादा शैतान बच्ची है ये, बहुत ही ज्यादा शैतानी करती है। बोल के दिखाओ जुनी, बोल के दिखाओ, बोलो हेलो गाइस। अरे दादा हमारे सब मम्मा छानी तक के सामने ना साथ हमारा मम्मा तू भी ना खाता है। तो गाइस देख रहे हो आप कितनी शैतान बच्ची है, देखो क्या क्या बोल रही है ये, शैतान मम्मा कह रही शैतान मम्मा, ये देखो गोती करने जाते फोन देता ही, देखो क्या क्या बोल रही है, समझ में आ रहा है कुछ, क्या क्या बोला है। मैं ये शीशा नीचे कर रहा हूँ, मगर ये शीशा नीचे नहीं करने दे रही मुझे, देखो मैं नीचे नीचे कर ले, अरे नीचे कर ले नीचे, अरे और नीचे कर लेते, अरे नीचे कर लेते बिल्ली, अरे कर, अरे गर्मी लग रही है बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग, अरे गर्मी लग। गाइस हम पहुंचने वाले हैं सावेर पार्क के दरगाह पे, बिल्कुल सामने दरगाह है, अभी हम मार्केट में चल रहे हैं, ये मार्केट है यहाँ की, और बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रही है, ये देखो बहुत ही ज्यादा भीड़ है। और जुन्नी भी हमारे साथ है, जुन्नी वो जा रही है सामने, जुन्नी जुन्नी हेलो गाइस करते हैं। तो जुन्नी मजा ले रही है, चलते हैं फिर दरगाह पे, मेन मार्केट है सावेर पार्क की दरगाह की, देखो कितनी जगमगा रही है, कितनी रोशनी हो रही है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लगभग ऐसे 10-11 बजे तक भीड़ रहती होगी दरगाह के आसपास।
मतलब बहुत ज्यादा मन लगता है ना ऐसी जगहों पे, मन लगता है काफी। ये दरगाह शरीफ का जो है सागर पाक के दरगाह शरीफ का मेन गेट है, यहाँ पर ये बुजू खाना बना रखा है बुजू करने के लिए। ये मेन गेट है सागर पाक के दरगाह का। अभी मैं अंदर गया नहीं हूँ, अभी अंदर जाऊंगा। हम दरगाह के अंदर आ चुके हैं। सावरे पाक के दरगाह वो सामने उधर है, उधर देखो कितने लोग आए हुए हैं, भीड़ भीड़ हो रही है चारों तरफ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ कलियर शरीफ से अपने घर, और हम कलियर से निकले थे रात के 11:30 बजे, अब मॉर्निंग के 4 बज गए घर आते आते। तो काफ़ी नींद आ रही थी मुझे गाड़ी चलाते हुए भी, अभी भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मन कर रहा है कि बस एकदम लेट जाऊँ। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।